हेलो, मेरा नाम दीपक केळकर है और मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी ट्रेनर और बिजनेस कोच हूँ। आज मैं आपको बात करने वाला हूँ आपसे, वो है कि अपने बदन में जो दर्द होता है तो वो दर्द क्यों होता है। मतलब काफ़ी सारे पेशेंट्स मेरे पास में जो आते हैं वो बोलते रहते हैं कि भाई हमें दर्द है, मतलब दर्द जैसा सिर दर्द होता है, हेडेक होता है, किसको माइग्रेन है, किसको बदन में दर्द होता है, किसको कंधों में दर्द होता है, पीठ में दर्द, पेट में दर्द, एसिडिटी होना। और वो लोग काफी सारी टेस्ट मतलब जांच करके आते हैं और सब जांच में उनको कुछ भी दिखाई देता नहीं, मतलब सब रिपोर्ट जो है वो सब रिपोर्ट जो है वो नील आते हैं। और वो नील आने के बाद में भी उनको तकलीफ तो होती रहती है, फिर तकलीफ होती क्यों है, इतने सारे दर्द होते हैं और वो उनको वो कोई झूठ नहीं बोल रहे। काफी सारी लेडीज जो आती है वो कमर में दर्द लेके आती है, पीठ में दर्द लेके आती है, कभी किसी को जोड़ों में दर्द काफी होते रहता है। कोई व्यक्ति जो है उनको ट्राइजमिनल न्यूरालजिया नाम का दर्द होता है, मतलब लाइक आधा चेहरा जो है तो उसको दर्द होता है और वो कोई जो नर्व अपनी है ट्राइजमिनल नर्व उसके ऊपर सूजन आने से होता है। वो कितने सारे लोगों को आधा सर अर्धशीशी आधे सर दर्द की बीमारी होती है। फिर एसिडिटी, अनाज का पचन न होना, छाती में जलन होना, पेट में जलन होना, मतलब वो बीमारी रहती है। और दर्द काफी सारे लोगों को रहता है। अब ये दर्द जो है वो, हाँ, और एक है कंधों में दर्द जो है ना, वो भी काफी लोगों को रहता है। कंधों में दर्द या शोल्डर्स में, ऐसा पूरा ये एरिया में दर्द रहता है और कुछ बिना कुछ वजह पूरे मसल्स में, बॉडी में दर्द है। और वो दर्द ज्यादा दर्द शाम को ज्यादा होता है, शाम को लोगों को थकान आती है और दर्द शाम को ज्यादा होता है। अभी ये होता क्यों है, लोग मेरे पास में जब किसी को रेफर करते हैं ना तो लोग बोलते हैं नहीं, हमें हम क्या पागल हो गए, हमको डॉक्टर केळकर के यहाँ क्यों भेज, क्यों भेज रहे हैं वहाँ, उनको क्यों, मतलब वहाँ उनके पास में हमें क्यों जाना चाहिए। मगर जब लोग डॉक्टर लोग बोलते कि नहीं नहीं अभी आपको कुछ नहीं मिल रहा है, जांच में कुछ नहीं मिल रहा है, सब रिपोर्ट नॉर्मल है, तो भी ऐसा करो आप देखो कि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि ये सब साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम है। साइको मतलब माइंड, सोमा मतलब बॉडी, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम है ये। और दिमाग में जो भी कुछ कॉन्वर्जेशन चलते रहते हैं, जो भी कुछ हम स्वसंवाद करते हैं, अपने आप से कॉन्वर्जेशन करते हैं, अपने आप से संवाद करते रहते हैं, वो संवाद की वजह से कुछ ना कुछ इंटरनल ऐसे जो चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से दर्द होता है। हम तो ये बोलते हैं कि भाई आपके दिमाग में अंदर संवाद क्या चालू है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है या सबसे बड़ा संवाद अंदर जो चालू रहता है वो रहता है सेल्फ क्रिटिसिज्म का। सेल्फ क्रिटिसिज्म मतलब अपने आप को दोष देना, दोषी ठहराना। छोटी छोटी बात के ऊपर हम अपने आप को दोषी ठहराते हैं, दोषी मानते हैं और उसके लिए फिर अपने आप को मार लेते हैं बहुत। तो यदि हम देखते हैं कि भाई हमने कहाँ अपने आप को दोषी ठहराया, कहाँ हमने आपको क्रिटिसाइज किया अपने आप को, खुद को, वैसे ही लोगों को क्रिटिसाइज करना, लोगों को गलत ठहराना, लोगों को गलत साबित करना, लोगों को रॉन्ग मेकअप करना, मतलब कि भाई तो आप गलत हो, या क्रिटिसाइज करना, दोष बताना लोगों के और आपस में संबंध बिगाड़ना, तो इसकी वजह से भी काफी दिमाग में हलचल मचे, मतलब हलचल मचती है और वो हलचल मचने के कारण प्रॉब्लम्स अपने दिमाग में होते रहते हैं। फिर रहता है कि भाई खुन्नस, दिमाग में खुन्नस रखना, किसने कुछ कभी कर दिया, किसने कुछ आपको बोल दिया, 8 दिन पहले किसने बोल दिया, 1 महीना पहले किसने कुछ बोल दिया, किसने अपमान कर दिया, इंसल्ट कर दिया किसने, और वो फिर अपने दिमाग में रखना कि नहीं मैं तो इसका बदला निकालूंगा, खुन्नस निकालूंगा, मैं बताऊंगा क्या है क्या नहीं। तो और दिमाग में वो खुन्नस हरदम के लिए रखना, उसके साथ में कम्युनिकेट नहीं करना, बातचीत नहीं करना, बोलना नहीं, दिमाग में रखने का है। और वो खुन्नस जो है ना वो तकलीफ देने वाली बात होती है। यदि हम वो व्यक्ति से बातचीत करते हैं जो अपने दिमाग में चल रहा है उसके साथ में साफ साफ क्लियर कर डालते हैं उसको, मतलब उसमें बातचीत करने के बाद में समझा देते हैं, अपना मन हल्का कर लेते हैं, उसका भी जो है और अपने बीच में जो कोई दीवार खड़ी है वो क्लियर कर देते हैं, तो काफी सारा ठीक हो जाएगा। एक तो लोगों को क्रिटिसाइज करना, लोगों को दोषी मानना या लोगों को दोष देना, ये बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। फिर और एक नेक्स्ट जो है वो है कि जो भी खुन्नस मन में है उसके बारे में लोगों को माफ ना करना, मतलब तो खुन्नस पकड़ के बैठना, माफ नहीं करना। मैं कितने दिन, कोई मेरे पास नहीं आया था, बोले 2 साल पहले मुझे एक व्यक्ति ने मेरा अपमान कर दिया, मेरा इंसल्ट कर दिया, अभी मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, सब लोगों के सामने मैं उसको कुछ ना कुछ बताऊंगा। अभी 2 साल हो गए, अभी तू खुन्नस पकड़ के बैठा हुआ है, तेरी प्रोडक्टिविटी जो है, उत्पादन क्षमता या उत्पादकता कम हो चुकी है, दिमाग में बार बार वही विचार आते हैं,
कितने दिन पकड़ के बैठे, उसने वो जो किया वो किया, उसने जो भी बोला होगा वो बोला होगा, आप अपने दिमाग में क्यों पकड़ के बैठे? एक तो उसके साथ में जाके साफ करो, बातचीत करो, क्लियर करो, या फिर उसको माफ कर डालो। सो फॉरगिवनेस, लोगों को फॉरगिव करना, और लोगों को फॉरगिव करना वैसा ही अपने आप को फॉरगिव करना। हो सकता है कि मैंने काफी सारी गलती की होंगी, मुझे वो बहुत चुभती होंगी, मैंने ऐसी गलती नहीं करना चाहिए, कोई इमोरल काम किया होगा, कोई गलत काम किया होगा, चोरी की होंगी, कोई छुपाया होगा किससे, ट्रांसपेरेंसी नहीं होंगी, तो वो भी मेरे दिमाग में चालू रहता है। क्योंकि देखो होता क्या है कि हम लोगों से तो काफी सारी बातें छुपाते हैं, मगर अपने आप से बात छुपा नहीं सकते, अपने आप में तो दिमाग में चलते रहता है, तो वो कितने दिन हम पकड़ के बैठेंगे। ऐसा बोला जाता है कि आप जितने दिन ये सब अधूरापन दिमाग में रखेंगे, ये इनकम्प्लीटनेस दिमाग में रखेंगे, तो आप एक रेंट फ्री स्पेस वो दे रहे दिमाग के अंदर, इसका आपको किराया भी नहीं मिल रहा, मतलब आपका दिमाग फिर काम नहीं करता। फिर हम बोलते देखो शाम को मैं थक गया, शाम को मुझे बहुत थकान आ रही है और मुझे अच्छा नहीं लगता है, और सेल्फ एक्सप्रेशन जैसा खुद का जो अनुभव आता है एक अच्छा जीवन जीने का वो नहीं है, तो ऐसे हम काफी सारे बातें बोलते रहते हैं। तो यदि हम एकदम ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, पूरा ट्रांसपेरेंस मतलब कोई आर पार पारदर्शकता, कोई दिमाग में अंदर बाहर कुछ भी नहीं है, वो ही रखेंगे, ऑनेस्टी से व्यवहार करेंगे लोगों के साथ में, ऑनेस्टी प्रामाणिकता, अपने आप के साथ में प्रामाणिकता, और ये व्यवहार हम यदि कंटिन्यूसली हरदम के लिए हम करते रहते हैं तो होगा क्या, दिमाग खाली रहेंगे। तो जहां जहां हम झूठ बोलते रहते हैं, जहां जहां हम अपने आप से छुपाते हैं या लोगों से छुपाते हैं, हमको बहुत एक्टिवली उसके ऊपर काम करना पड़ता है छुपाने के लिए, क्योंकि मैंने छुपाया क्या ये सोचना पड़ता है, और उसमें काफी सारा टाइम जाता है, उसमें काफी सारी एनर्जी जाती है। तो जब जब ऐसे हमारे पास में लोग आते हैं, जब कोई मेरे पास में काउंसिलिंग के लोग आते हैं कि भाई हमको काउंसिलिंग होना है, जैसा बदन में बहुत टेंशन आते रहता है, चिड़चिड़ापन है, इरिटेबिलिटी है, फिर नींद नहीं आती, नींद जल्दी नहीं आती, या सवेरे जल्दी जाग आ जाती है, अन्न पचन नहीं होता है, अनाज पचन नहीं होता है, एसिडिटी होती है, काफी सारा दर्द होते रहता है, बॉडी एक सेंट पेन वो होते रहते हैं, माइग्रेन है, फिर क्या लोगों से पट्टी नहीं है, आपस में पट्टी नहीं है, फिर दिमाग में चिंता के विचार आते हैं, टेंशन आते हैं, तो ऐसे जो भी कोई प्रॉब्लम्स है, तो ये प्रॉब्लम्स दिमाग में जो भी कॉन्वर्सेशन चल रहे, दिमाग में जो सौ संवाद चल रहे हैं कंटिन्यूसली ऑन गोइंगली, वो यदि हम क्लियर करें और हमारा दिमाग एकदम खाली रखे, तो काफी सारे प्रॉब्लम्स ठीक होते हैं। हम काउंसिलिंग में यही करते हैं, लोगों को लिसन करते हैं, सुनते हैं। जब लोग अपने आप को खाली करते हैं ना, खुद को सब पूरा खाली कर देते हैं, तो आधा दर्द तो उनका वैसे ही कम हो जाता है, दवाई की उनको जरूरत नहीं रहती। अक्सर मैं दवाई लिखता नहीं ये लोगों को, बोलते कि नहीं काउंसिलिंग को आ जाओ। एक तो उनका काउंसिलिंग करो मतलब सिर्फ बातचीत करो, या हिप्नोसिस करो, हिप्नोथेरेपी करो, या फिर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो है NLP, उसका कोई टेक्निक्स है जिसमें पास्ट बैड मेमोरीज जो है वो कैसे गायब करना, वो हम टेक्निक करवाते हैं, तो वो करो। या फिर हम लोगों को एक साथ में बिठाते हैं और ग्रुप में साइकोथेरेपी होती है, ग्रुप में काउंसिलिंग होता है, तो वो करते हैं, तो काफी सारे लोगों को आराम मिलता है। तो आप जरूर ये, आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक करो, लोगों को इन्फॉर्म करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।